देखिए जी, ये कोटों में घुसने और डिग्गियों में छुपने वाले काम हमारे नहीं हैं। मैंने तो पहले भी बताया है कि ये तरीके और ये रास्ते हमें नहीं आते हैं। अगर वो मेरा नाम लेती तो मैं भी फिर FIA जाके बैठती, क्योंकि मैंने तो कोर्ट में सबके सामने जज का शुक्रिया अदा किया था, जो मेरा फ़र्ज था मैंने समझा अपना। क्योंकि इधर जैसा जो गलीज केस था, वो हर औरत की ज़ात किरदार और इज्जत पर हमला था, तो मुझे लगा कि चाहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी से हों, अगर आप शर्म हया गैरत वाले हैं तो आपको उसको कंडेम ही करना चाहिए था, बजाय इसके कि आप उसको खड़े होकर सपोर्ट करें। और दो तीन शादियों वालों को तो वैसे ही कंडेम करना चाहिए, क्या पता अगली का मूर्खा हो जाए उन पर, तो कल को उनके आगे ना आ जाए। तो ये ऐसे केस नहीं है जिन पे आप कहें कि जी मतलब घुस गई। मुझे तो हैरानगी उन लोगों पे जिन्होंने इनको पंजाब पे मुसल्लत किया कि क्या मतलब निकली हीरोइन और घुस गई भाई, मतलब क्या ये मोहल्ले की कमेटी वाली आंटियां आपने पंजाब पे मुसल्लत कर दी हैं, जान बख्शे पंजाब की। मैम ये भी बताइएगा, उन्होंने ना आपको और आपकी बहन को स्पेशली टारगेट किया, उन्होंने कहा ये आ जाती हैं जी, मुझे भी मुझे भी इंसाफ मिले तो मैं भी जाऊँ अदालत में, जैसे मजोका साहब की अदालत में आप गई हैं, शुक्रिया अदा करूं। मेरी तो पेशी थी ना जी, मैं तो अपनी पेशी के लिए गई हुई थी, मुझे पता चला ये वो इधर जब वाले जज है तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मतलब वो उनको झूठ बोलने के, वो इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोलती है, उनको शर्म भी नहीं आती। अच्छा होता अगर वो नाम लेती तो फिर मैं जज साहब से भी कहती कि वो भी जरा इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें, फिर मैं भी FIA जाती। जब आपको पता नहीं कोई बात तो आप कैसे खड़ी होकर उस पर रोना पिटना डाल सकती हैं। मैंने तो कोर्ट रूम में मेरी पेशी थी, अपनी पेशी पर गई थी, वहाँ उनका शुक्रिया अदा किया था। और दूसरा वो पीछे तो बेचारियों को कोई काम जो करने को नहीं है, तो या तो सारा दिन उन्होंने बैठ के वीडियोज़ बनवानी होती हैं, लोगों के खिलाफ बक बक करनी होती है। उनकी मैं अपनी वीडियोस देख रही थी, वो चढ़ा चढ़ा के बाजू जा रही थी और मार रही थी जो भी आगे आ रहा था, थप्पड़ सही पड़े थे पुलिस वालों पे या वार्डन्स को। तो मैं चाहूँगी अत्तर साहब इस पर भी ज़रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मैं देखना चाहूँगी कि उनकी अपनी पार्टी की खवातीन के लिए और दूसरी पार्टी की तो खवातीन के लिए तहजीब तरबियत तो उन सबका क्राइटेरिया सेम ही है, या उनकी अपनी पार्टी की खवातीन को माफ़ी है। अगर मैंने ऐसे किसी पुलिस वाले को मारा होता तो मेरे पे 14 पर्ची और थे दहशतगर्दी की। तो वो बीबी को इतनी सहूलत है कि वो मार रही थी और मैं उनका एक और इंटरव्यू भी सुन रही थी, अगर हमारे लीडर को कुछ कहा तो हम उन लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे भी बोलने भी हम पे दहशतगर्दियों के पर्चे हैं जो आप पे नहीं हुए, क्योंकि हमारे लीडर ने ऐसे काम किए नहीं हैं। मैम ये भी बताइएगा, उन जो जो वीडियो वायरल हुई थी, उनकी लीक हुई थी वीडियो, उसका भी उन्होंने जिम्मेदार आप लोगों को ही ठहरा दिया? नहीं, वो एक तो ये ऐसी घटिया सी चीज़ें हैं, इसमें हम किसी की पार्टी किसी औरत के लिए भी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हमारे साथ तो भी गलत है, उनके साथ तो भी गलत है। मैंने तो भाई, मेरे पास अपना मोबाइल ही नहीं है तो मैंने कहाँ से कुछ किया है। वरन उनको शौक हो गया अपने हर चीज़ का ब्लेम मेरे सर पर डालने का, मुझे तो आगे का खतरा पता नहीं किस किस चीज़ का और ब्लेम मेरे सर पर ही डालते हैं। मैम 18 जुलाई तक तो आप महफूज हैं, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आपके ऊपर कोई FIR नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप क्या लाहौर जाएंगी, क्योंकि हालात यही लग रहे हैं कि आपके ऊपर अब नए केस जो है वो बनना शुरू हो। इस बच्ची को भी पकड़ा हुआ है अरूबा को, मैं उसको देख के हैरान हो गई हूँ कि अभी आप लोगों की घरों की इज्जतें इतनी सस्ती हो गई हैं कि आप उनकी माएँ बहनें बेटियाँ उठा लें कि जी सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी, अंदर एलिगेशन बता रहे थे कि जी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे, एक छोटा बच्चा पकड़ा हुआ है, लड़का छोटी सी उम्र का लड़का है, और एलिगेशन सुनने के अभी व्हाट्सएप यूज़ करना भी गुनाह हो गया इस मुल्क में। कोई सोशल मीडिया का पेज की एडमिन थी तो उसको उठा के लेके आ गए, मतलब शर्म कर जाएं, आपने कितना और जलील होना है, तो थोड़ी बहुत इज्जत रहने दें। कब होता था हमारे मुल्क में ये कि लोगों की माएँ बहनें बैठियाँ इतनी सस्ती हो गई थी कि हर दूसरे दिन कोर्ट में पेश होती थी और तीसरे दिन के रिमांड मांगे जाते थे, दहशतगर्दियों के पर्चे हो जाते थे, कुछ थोड़ा खौफे खुदा करें। मुझे तो इनके घर वालों पर आप घर की खातिन आपको नहीं कहती आप लोग क्या कर रहे हैं। मैम असद कैसर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं दिसंबर में खान साहब की हुकूमत होगी, इमरान खान जो है वजीर आजम होंगे, क्या कोई बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बातचीत की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी वो अंधे हैं जिनको आवाम की मोहब्बत नज़र नहीं आती खान के लिए। आप लोग खुद ज़हनी मज़ूर हैं, जो आप लोगों की जो मर्ज़ी है उसको समझ नहीं पा रहे, तो आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। आप बदतमीज़ हैं अगर आपको लोगों की राय का एहतराम नहीं है, तो मतलब आप इतनी आवाम को अपने अशारों पर नहीं नचा सकते, आपको समझनी पड़ेगी ये बात। ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा, अगर लोग अपनी मर्ज़ी से अपना लीडर चुनना चाहते हैं तो उनको हक है इसका ना, ये गैर कानूनी नहीं है। आप कैसे उन पर कितने पर्चे कर लेंगे और फिर क्या होगा? आना उसी नहीं है। मैडम ये बताइएगा कि हम आपको नेशनल असेंबली में देख रहे हैं या सूबाई असेंबली में देख रहे हैं? देखें जहाँ भी देखेंगे मुझे आप अच्छा खासा शोर में जाते ही देखेंगे। अच्छा, सनम ये बताइए कि मुसद्दिक मलिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा आए बात करें, कभी कहते हैं कि हम PTI पर पाबंदी लगाएंगे, कभी कहते हैं आए बात करते हैं। जी हमारी खवातीन छोड़े ना, हमारी खवातीन को छोड़े, आप बात करने के लिए तमीज़ तो पहले दिखाएं ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ा हुआ है, शी 74 ईयर्स ओल्ड, एक कैंसर सर्वाइवर है, 14 महीने से ज़्यादा रिमांड पे हैं। वो औरत है जो पाकिस्तान में कहीं कोई आफत आई है सबसे पहले इमदाद लेकर पहुंची है। आलिया हमजा को देखें, 3 बेटियां उसकी अभी तक जेल में है, एक बेटी उसका वेट कर करके बाहर चली गई है, दूसरी कहती है मैंने भी यहाँ नहीं रहना बाहर जाना है। अब क्या चाहते हैं सबके बच्चे हमें ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ?
इस मुल्क में कोई भी ना रहे, आप ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आपने क्या क्या नहीं किया खवातीन के साथ। वहाँ जेल में एक औरत थी जिसकी 3 साल की बच्ची थी, उसको पकड़ के लेकर आए हुए थे, उसकी 11 साल की बच्ची उसकी 3 साल की बच्ची को संभालती थी, रोहिना खान उसका नाम था। खतीजा शाह की बच्ची 5 साल की थी, मेरे 2 बच्चे हैं। तैयबा का उन्होंने कैसे बालों से खींचा। आयशा भुट्टा को रात को उसके घर से उसके भाई को सामने खींच कर लेकर आई। फायजा को उन्होंने इतना मारा लिबर्टी में कि मैं देख के शॉक रह गई। मैं सोच नहीं सकती थी कि कभी मेल पुलिस इस तरह खवातीन को मार सकती है। फहमीदा बेगम थी जेल में, उनके साथ उनका बेटा भी 10 महीने जेल में रखा है इन्होंने। मतलब सुमैया असद थी, उनकी एक बेटी का रिश्ता टूटा, दूसरी बेटी का रिश्ता उन्होंने इस डर से डेट फिक्स कर दी कि पता नहीं मुझे जमानत मिलती नहीं मिलती, तुम्हारा भी रिश्ता ना टूट जाए। मतलब ऐसे ऐसे हालात अपनी औरतों के साथ किए हैं। किसी को कुछ सिखाने पढ़ाने जैन साजी की जरूरत बचेगी। कुछ अपनी हरकतें तो ठीक करें ना, बातचीत करनी है, क्या करनी है। मतलब आपने हालात क्या किए हमें बातचीत करने वाले। अभी इस बच्ची को उठा के उसके हॉस्टल से लेकर आ गए, उसके बाप को देखें, उसकी माँ को देखें, तब आप लोग क्या कर रहे हैं, शर्म करें। मैम ये भी बताए, रात को कल की बात है, मैंने इंटरव्यू किया इस्लामी जमात इस्लामी के धरने में एक कारकुन का, तो उन्होंने कहा हमें पुलिस ने उठाया 15 बंदों को तरनौल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने कहा पीटीआई के कौन है और जमात इस्लामी के, तो 12 जो थे वो पीटीआई के थे, वो सॉरी जमात इस्लामी के 3 पीटीआई के, तो उन्होंने उन 12 को छोड़ दिया। उन्होंने कहा जाएं आप अपने घरों में, और 3 को अटक जेल ले गए। आप इस पे क्या कहेंगी, इसकी फसतायत। मतलब ये तो चुन रहे हैं बंदे पाकिस्तान, बहुत ही ऑब्वियस बात है ना। ये तो कुछ उपाय रह नहीं गया कि टारगेट सिर्फ इमरान खान और पीटीआई है। ये तो अब 2 सालों में साफ पता चल गया है। हर कोई निकलता है, धरना करता है, अपनी जलसे करते हैं, मार्चेस करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता। पीटीआई सिर्फ इतना भी कह देना कि जी हम बाहर निकलने लगे, 144 लग जाता। ये तो खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं ना। मुझे सिर्फ ये इतराज़ है कि जब आप इतने खुलेआम सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप मोहब्बतों की उम्मीदें मत रखें, फिर आप बातचीत की उम्मीदें ना रखें, फिर आप नफरत की उम्मीद ही रखें। क्योंकि ये सब देखे हमें हमारे बच्चों को भी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैंने तो अपने बच्चों को इसलिए मना कर दिया था, मैं अपनी मम्मी को कहती थी इनको लेके ना आए। ये इस तरह देखेंगे कि पुलिस हर दफ़ा माँ को गिरफ्तार करके लेके जा रही है, ये कितनी नफरत करेंगे, ये किस तरह किस जहनीत के साथ बड़े होंगे। अच्छा, को इस मुल्क के लिए क्या करेंगे फिर। अच्छा मैम ये बताइएगा कि कल जो खान साहब ने प्रोटेस्ट की कॉल, खान साहब ने दी पार्टी की तरफ से दी गई थी एहतजाज की कॉल, तो इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल एहतजाज नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि इस्लामाबाद के लोग हैं वो डरे हुए हैं। पार्टी ने तो एहतजाज तो क्या करना है, हर दूसरे दिन तो आप 10 बंदे उठा के ले जाते हैं। सारी पार्टी तो उनके पीछे भाग रही होती है उनको छुड़ाने के लिए। खवातीन तक में छोड़े, मुझे कोई पूछता था मैं कहती थी नहीं भाई अभी इतनी कोई बेशर्मी नहीं आई, इतने कोई हालात ख़राब नहीं हुए कि खवातीन को उठाने तक आ जाएंगे। अभी तो आपने मजाक बना लिया, ऐसे जैसे औरतों की इज्जत मजाक के आपके लिए। आप किसी को भी उठा के ले जाएँ, रात रखें और कहेंगे जी हम सुबह बताएंगे हमने क्या FIR। ये कब होता था। मतलब सारी रात वो बच्ची भी कहती है मैं पूछती नहीं हूँ कि मुझे किस केस में पकड़ा, क्या एलिगेशन है मेरे पे, FIR दिखा दें। मैम 100 दिन की कारकर्दगी आपको भी नज़र आई होगी, वो तो पूरे हाँ पूरे जो है ना वो पाकिस्तान पंजाब के अंदर सिर्फ बैनर थे 100 दिन आवाम के लिए पाकिस्तान के। पैसा बहुत है जी हमारे पास, पैसा बहुत है, हम लगा सकते हैं, ये शोबाजियाँ कर सकते हैं। हम खानदान पे ही जाता है बंदा अपने। मैं तो असेंबली में बनकर स्पीच देकर हैरान हो रही थी कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते। मैंने अबू देखी कंप्यूटर में गई, नई गेम लैपटॉप पर एक नई गेम डाउनलोड कर ली है, वो देखे हैं स्पीकर साहब, वो देखें स्पीकर साहब। भाई जब आप प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएंगे, अब तब इतना उछले ना कंप्यूटर पर, तो आप मुझे लैपटॉप पकड़ा दें, मैं 100 एक दिन में प्लान बना के दे देती हूँ, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। वो जब हो तो करें ना, सारा पैसा तो अपनी आप अपनी एडवर्टीजमेंट में लगा रही हैं, और उससे आगे आप निकलें, बाहर निकलें, लोगों को आपकी असलियत पता है, जितने मर्जी इश्तेहार लगा लें। मरियम नवाज ने तो कहा है कि पंजाब की गलियों को भी हम दया करेंगे रोजाना, क्या कहेंगे। 8 फरवरी को आवाम ने उनको अच्छा खासा धोया है, तो उनके बाद उनके पास काम अब सिर्फ गलियाँ धोने वाला ही बचता है वैसे तो। मैडम आप क्या ये चाहेंगी कि अगर आम इंतखाबात होते हैं तो आप उनके खिलाफ इलेक्शन स्पेशली मरियम नवाज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, जिस हल्के से वो लड़ेंगी। जी मैंने तो पहले भी इलेक्शन लड़ना था, मेरा तो ये केस मेरे तो पेपर ही प्रूफ नहीं होने देते थे, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक हमने फाइट किया उस केस के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट सिर्फ 8 दिन पहले हुए, तो इस वजह से रह गई इंशाल्लाह अगली दफा नहीं हुई। मेरा सवाल ये है कि क्या जिस हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे उसी हल्के से कराऊंगी, पहले भी उसी हल्के से कराए थे मैंने, पर वो आपको पता है अदालतों में जो हाल चल रहा है नीचे छोटी अदालतों में। तो मैम ये जो अभी अदालतों के फैसले आ रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद पाकिस्तान में पैदा हुई है। आपने देखा होगा इस महीने के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे फैसले जो है ना वो अदालतों की तरफ से दिए गए। आप कितनी पूरी उम्मीद है अपने अदालतों, और 2 अढ़ाक जजेस जो है वो कल ज्वाइन कर लेंगे, तो उनके बारे में क्या कहें। देखिए अब मुझे जैसे मेरा केसेस मैंने मेरे अबू ने इतनी रिट्स की हुई थी हाई कोर्ट में, इतनी रिट्स की हुई थी कि मतलब मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी लगाया हुआ था इन पे, के अरेस्ट कर लिया 2 केसेस का बता के, फिर 3रे में कर लिया, फिर 3 का बता के 4थे में भी कर लिया, तो तब तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था अदालतों में, वो तरीकी 5-5 महीने की डल रही थी। मगर अगर अब फाइनली जजेस ने अदालतों ने स्टैंड ले लिया है, उनका उनका फ़र्ज भी यही है, आप अल्लाह को जवाब दें। आप अल्लाह ने आपको लोगों के हकूक के लिए अगर जामिन बनाया तो आप जवाब दें अल्लाह को, आपने इंसाफ करना है, आप इंसाफ करें। हम रिलीफ तो मांगते नहीं, हम कहते हैं इंसाफ करें आप,
आप इंसाफ करें हम अदालतों में, हम तो तैयार हैं, आप इंसाफ करें। थैंक यू मैम, थैंक यू।